शाहजहांपुर में भाजपा प्रत्याशी अरुण कुमार सागर ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम गठबंधन प्रत्याशी अमरचंद चौहर को 2,67,893 मतों से पराजित कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र दिया। आपको बता दें कि यहां पर 32 राउंड में मतों की गिनती हुई थी। भाजपा प्रत्याशी को 6,84,278 और गठबंधन प्रत्याशी अमरचंद चौहर को 4,16,385 वोट मिले थे। भाजपा प्रत्याशी अरुण कुमार सागर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमरचंद चौहर को 2,67,893 मतों से पराजित कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया। इसी दौरान जीत हासिल करने के बाद भाजपा में विजय होने वाले अरुण सागर का कहना है कि वह जनता का कर्ज जरूर अदा करेंगे। साथ ही सुरेश कुमार खन्ना ने इसे मोदी की लहर की जीत बताया है। ये अपनी इतनी बड़ी जीत का सिरा है जनपद शाहजहांपुर, लोकसभा शाहजहांपुर की तमाम अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन के साथियों को और आम जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस छोटे से कार्यकर्ता को इतने बहुमत से जिताकर यहां से पार्लियामेंट भेज रहे हैं। कैसे चुकाएंगे आप शाहजहांपुर की जनता का कर्ज जो आपको आज जिताया है शाहजहांपुर की जनता? शाहजहांपुर की जनता की मैं रात दिन सेवा करूंगा और जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानित मतदाताओं ने मुझे दी है, उनका मैं कर्ज उनके विकास कार्य के रूप में तमाम ऐसे कार्य होते हैं, मैं उनके सुख दुख में हमेशा तत्पर रहूँगा। अपनी जीत का श्रेय किसे देंगे? अपना जीत का श्रेय संपूर्ण जनता को और इस देश के दोबारा होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी व हमारे जनपद के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, हमारे विधायकगण, पूर्व सांसद जी, हमारे पूर्व विधायकगण, मेरा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, चाहे पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, उन्होंने तन मन धन से मुझे विजय दिलाने के लिए आज ये इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन मेरे लिए है। मैं इतना छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मुझे इतने लगभग 2,70,000 मतों से विजय बनाकर यहाँ से भेज रहे हैं। इस जनादेश ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री प्योर है। तो आज किस तरीके से उनको जवाब मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी ने इस जो ऐतिहासिक जीत हुई है, ये जीत ही सबसे बड़ा उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। महागठबंधन का क्या हुआ, कहाँ चला गया वो? जनता ने जातिवादी राजनीति को नकारा है, विकास के राजनीति को प्रोत्साहन दिया।